गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, कैसे बच्चे हो आप सब। और जैसे कि आपको पता है, आज हम लोग यूनिट नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। और यूनिट नंबर 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, आज इस चैप्टर की हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं। यस, तो सबसे पहले हम इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जो हमारी यूनिट नंबर 10 है इकोलॉजी में, इसमें कौन कौन से चैप्टर हमें स्टडी करने हैं। तो आज एक इंट्रो पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसपे हम ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस के भी कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट्स को देखेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को। चलिए, यस, अगर हम बात करें बच्चों इकोलॉजी का, जो कि हमारी कौन है, यूनिट नंबर 10 है, ये है हमारी यूनिट नंबर 10। तो इस यूनिट नंबर 10 में जो टोटल हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो टोटल चार चैप्टर्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहला पढ़ना है हमें ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, सेकंड चैप्टर है हमारा इकोसिस्टम, थर्ड है हमारा बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एंड फोर्थ चैप्टर है बच्चों हमारा एनवायरमेंटल इशू। ये चार चैप्टर हैं जो हमें इकोलॉजी में कंप्लीट करने हैं। कौन कौन से? ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एंड एनवायरमेंटल इशू। बच्चों सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, वो कौन सा है? वो है हमारा ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। पॉइंट में आता है कि ये ऑर्गेनिजम्स क्या है, पॉपुलेशंस क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं बच्चों। अगर हम बात करें एक किसी ऑर्गेनिजम्स की, तो माइंड में एक बात आती है कि भाई ये ऑर्गेनिजम्स कैसे बनता है। आप जानते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट है, उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बच्चों कौन होती है? सेल। जब कई सेल्स मिलती हैं, जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलता है, तो क्या बनता है? बनता है सेल के बाद बनता है टिश्यू। ये टिश्यू क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ऑर्गेन। क्या बनाते हैं? ये ऑर्गेन। और कई ऑर्गेन मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आप जानते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो जैसे मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन है, जैसे स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसोफेगस है, ये सब क्या है? ऑर्गन है। तो कई ऑर्गन मिलके क्या बना रहे हैं? सिस्टम बना रहे हैं। और जब ये कई सिस्टम मिलते हैं, तो फाइनली जो बनता है उसे ही हम बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है बच्चों? जैसे मैं क्या हूं? एक ऑर्गेनिजम्स हूं, मैं ह्यूमन हूं। जैसे आप क्या है? ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अगर आप शुरुआत देखेंगे तो कहां से हो रही है? सेल की। आप जानते हैं जब आपकी शुरुआत हुई है तो मां के मोम में हुई है ना, स्पर्म ने ओम को फर्टिलाइज किया है, यस, 12 सेल बनी है, और आफ्टर दैट आपकी बॉडी डेवलप करना स्टार्ट करी है, सेल, फिर टिश्यू, ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम, और फाइनली बना ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स बच्चों हम दोनों को बोलते हैं, चाहे मामला प्लांट का हो या मामला एनिमल का हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ऑर्गेनिज्म, चाहे हम प्लांट की बात करें या एनिमल्स की बात करें। और ये जो चैप्टर्स है, आज हम मुख्यतः जो बात करने वाले हैं वो कुछ प्लांट्स की भी करेंगे और कुछ हम लोग एनिमल्स की भी करेंगे। पहली चीज तो ऑर्गेनिजम्स क्लियर हो गया। अब आता है कि पॉपुलेशंस क्या है। पॉपुलेशंस का मतलब होता है कि जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन भी क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। तो जब बहुत सारे ह्यूमंस एक पर्टिकुलर कंफाइंड एरिया में रहते हैं, जैसे मान लेते हैं आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है, हम मान लेते हैं कानपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो कानपुर के डिस्ट्रिक्ट में हम बोलते हैं कि भाई यहाँ की आबादी 10 लाख है। इसका मतलब क्या है? अगर हम बोल रहे हैं कि कानपुर की आबादी 10 लाख है, तो हम ये बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर जो ह्यूमन स्पीसीज है, वहां पर उसके मेंबर्स की जो संख्या है बच्चों, वो कितनी है? 10 लाख है। तो जब भी हम पॉपुलेशंस की बात करेंगे, तो हम सिंगल स्पीसीज के जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है उसकी बात करेंगे, और किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर हैं, तो ही हम उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। बात समझ में आ गई? अब कानपुर में अगर ह्यूमन की पॉपुलेशन 10 लाख है, तो हो सकता है वहां पर कुत्तों की पॉपुलेशन 10,000 हो, बिल्ली की पॉपुलेशन 20,000 हो। क्लियर है? तो पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? जब सिंगल स्पीसीज के उसके नंबर जो मेंबर्स ऑफ जो नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर ह्यूमन की पॉपुलेशन इतनी है, तो हो सकता है दूसरे एनिमल्स हो, मान लो ए है, बी है, सी है, इनकी भी पॉपुलेशन अलग अलग होगी।
तो अगर एक पर्टिकुलर एरिया में एक स्पीसीज ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी स्पीसीज ये है, तो ये स्पीसीज क्या करती हैं, जब कई स्पीसीज एक कंफाइंड एरिया में रहती हैं, तो हम बच्चों इसको बोल देते हैं कम्युनिटी। क्या बोल देते हैं? कम्युनिटी। तो जब कई स्पीसीज एक कंफाइंड एरिया में है तो हम बोल देते हैं ये उस एरिया की कम्युनिटी है। यहां पर इतने ह्यूमन हैं, इतने बफेलो हैं, इतने काउ हैं, इतने डॉग हैं, तो ये हो जाता है कम्युनिटी। तो यहां पर हम लोग ने कौन कौन से टर्म्स क्लियर किए बच्चों? पहला हमने क्लियर किया कि ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, सेकेंड हमने क्लियर किया कि पॉपुलेशन क्या होता है, और तीसरा हमने क्लियर किया कम्युनिटी क्या होता है। तो सबसे पहले हमने क्या क्या देखा? पहले हमने देखा ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स ने सेम स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। और जब वहां पर कई स्पीसीज आपस में रह रही हैं तो हम इसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? कम्युनिटी बोलते हैं। और जब इस कम्युनिटी का एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर का मतलब है वहां का टेम्परेचर है, वाटर है, वहां का प्रॉपर इन्वायरमेंट है, तो जब एबायोटिक फैक्टर के साथ प्रॉपर इनका इंटरक्शन होता है, तो कम्युनिटी का जब एबायोटिक फैक्टर के साथ बच्चों इंटरक्शन होगा तो हम इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। हम बोलेंगे भाई कार्बन का ये पर्टिकुलर इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम में क्या है? सब एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? कहीं ना कहीं उनकी उस इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंस होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहां पर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में सबसे पहले आपने समझा, पहली यूनिट क्या है हमारी? ऑर्गेनिज्म। सेकंड आई हमारी पॉपुलेशन। थर्ड आई हमारी कम्युनिटी। चौथा आया हमारा इकोसिस्टम। ठीक है, अब इकोसिस्टम हो सकता है कई इकोसिस्टम मिलके बना दे क्या? बायोम्स। क्या बना दे? बायोम्स। और बायोम से भी बड़ा होता है बच्चों बायोस्फीयर। तो यहां पर क्या हुआ? कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद क्या आएगा? आएगा हमारा इकोसिस्टम। और कई इकोसिस्टम एक बायोम के अंदर हो सकते हैं, तो इकोसिस्टम मिलके क्या बनाएंगे? बायोम। और बायोम के बाद सबसे बड़ी जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है बायोस्फीयर। लेकिन याद रखिएगा बायोस्फीयर को इसके अंदर शामिल नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने कुछ प्राइमरी जो कॉन्सेप्ट थे उसको हम लोग ने समझा कि ऑर्गेनिजम्स क्या है, पॉपुलेशंस क्या है, कम्युनिटी क्या होती है, और इकोसिस्टम क्या है, बायोम्स क्या है, और बायोस्फीयर क्या है। तो चलिए अब हम लोग यहां से अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो हम लोगों ने जो प्राइमरी पार्ट्स पढ़ा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, यही हमारा फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड, इसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे? इकोसिस्टम की। और इकोसिस्टम के बाद बात करेंगे कि बायोडायवर्सिटी क्या होता है, यस, और फिर हम फाइनली हम आ जाएंगे कि क्या एनवायरमेंटल इशू है। इन्हीं चार चैप्टर्स को हमें इकोलॉजी में प्रॉपर स्टडी करनी है। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने इकोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट को समझना। सबसे पहले जो एक वर्ड लिखा है आपके एनसीईआरटी में, रामदेव मिश्रा इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। तो डायरेक्ट यहां से एक क्वेश्चन नीट में आपका बन सकता है कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है? रामदेव मिश्रा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं। चलिए अगर हम इकोलॉजी की बात करें, सबसे पहले क्योंकि नाम ही यूनिट का इकोलॉजी है बच्चों, तो इकोलॉजी है क्या? तो इकोलॉजी इज द सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी द इंटरक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स। इकोलॉजी में क्या करते हैं हम? मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म ये है, दूसरा ऑर्गेनिजम्स ये है, तीसरा ऑर्गेनिजम्स ये है, तो इन ऑर्गेनिजम्स के बीच में अगर जो इंटरक्शन है, हो सकता है वो सेम स्पीसीज का हो सकता है डिफरेंट स्पीसीज का हो, तो इनके बीच में जो इंटरक्शन है उसकी स्टडी इकोलॉजी के अंदर करते हैं। और इन ऑर्गेनिजम्स का एक एबायोटिक फैक्टर के साथ जो इंटरक्शन होता है, इन्हीं और इंटरक्शन जो होता है इसी को मिला के बच्चों हम बोल देते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में क्या है? ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरक्शंस क्या है, और उन ऑर्गेनिजम्स का जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं वहां पर जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, एयर है, ह्यूमिडिटी है, उनके साथ उनका कैसा इंटरक्शन है, इन सबको मिला के अगर हम बोल दिया जाए तो इसी की स्टडी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। अगर इकोलॉजी को बेसिकली अगर आप बात करें तो आप चार लेवल जो होती है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसपे प्रॉपर इकोलॉजी के सारे फैक्टर्स को आप
स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। तो ये जो चार लेवल है वो कौन कौन सी है बच्चों? पहला लेवल है ऑर्गेनिजम्स का, मैंने आपको बताया ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। सेकंड लेवल होता है पॉपुलेशन का, थर्ड लेवल है हमारा कम्युनिटीज, एंड फोर्थ लेवल होता है बायोम्स का। तो यहां पर आप देखें कि यहां पर क्या है, साइज बढ़ता जा रहा है ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज के मिलकर हमने क्या बोल दिया उसको, पॉपुलेशन। यस, अब एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन के साथ रह रही है, मान लो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कानपुर का, तो वहां पर मान लीजिए ह्यूमंस रह रहे हैं, वहां पर बफेलो भी हैं, डॉग भी हैं, तो ये जो कई पॉपुलेशन एक जगह पर रह रहे हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। और कम्युनिटी कहां पर रहेगी, हो सकता है कि एक पर्टिकुलर बायोम हो उसका। तो पर्टिकुलर अगर हम बायोम्स की बात करें, जैसे बायोम्स का एग्जांपल है, जैसे डेजर्ट एक बायोम होता है, सी अपने आप में एक बायोम है, यस, जैसे आपके टुंड्रा रीजन है वो अपना एक बायोम है, तो कुछ बायोम्स को भी हम लोग देखेंगे। तो किस तरीके से प्रॉपर और जो ऑर्गेनिज्म है किस तरीके से एनवायरमेंट से इंटरेक्शंस कर रहा है, किस तरीके से एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्शन करता है, इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों को समझना है। चलिए थोड़े से अपने जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बच्चों, और अब हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि नीच क्या होता है, तो सेकेंड आता है कि ऑर्गेनिज्म और इसके एनवायरमेंट्स के बारे में कुछ फैक्टर, और तीसरा वो कौन से चार बायोम्स हैं बच्चों जिसकी प्रॉपर हम लोगों को स्टडी करनी है एबायोटिक फैक्टर के रेफरेंस में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नीच क्या होता है। अगर हम बोले नीचे के बारे में, तो वास्तव में ये है क्या, ये एक स्पेसिफिक पार्ट होता है किसका, हैबिटेट का। हम मान लेते हैं कोई एक्वेटिक हैबिटेट है, या मान लेते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, या हम मान लेते हैं कोई डेजर्ट हैबिटेट है। तो उस डेजर्ट हैबिटेट में अगर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है, तो उस स्पीसीज का पर्टिकुलर इंडिविजुअल का वो जो हैबिटेट है उसको बोलते हैं उस ऑर्गेनिजम्स का नीचे, या बोलते हैं नीचे। क्या कह रहा है, द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ हैबिटेट ऑक्युपाइड बाय इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज। जैसे हम मान लेते हैं, सपोज है कि ये एक डेजर्ट रीजन है, यस, डेजर्ट रीजन में हम मानते हैं कि कोई स्नेक है और वो क्या कर रहा है, वो एक बिल बना के उस बिल के अंदर रह रहा है। तो स्नेक के लिए जो बिल वाला है, ये जो हैबिटेट है, ये इस स्नेक का क्या हो गया, इस स्नेक का ये नीचे हो गया। क्लियर है बच्चों, नीचे क्या होता है, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में किसी एक स्पीसीज के इंडिविजुअल का वो हैबिटेट जहां पर वो रह रहा है उसे हम बोलते हैं नीचे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर ऑर्गेनिजम्स और उसके एनवायरमेंट्स की अगर हम बात करें कि जिस एनवायरमेंट्स में ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है, तो वहां पर कौन से फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। पहले पॉइंट क्या कह रहा है कि इकोलॉजी को अगर हम एक ऑर्गेनिजम्स के लेवल पर अगर देखना चाहें, तो आप देखेंगे वहां पर कि जो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का मतलब क्या है, कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए कैसा एनवायरमेंट्स वहां पर है, तो सर्वाइवल के लिए कैसे फैक्टर्स हैं, और दूसरा उसके रिप्रोडक्शन के लिए कैसे फैक्टर हैं, वो ये वो फैक्टर है जो उस ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो प्रॉपर तरीके से उस एनवायरमेंट में सर्वाइव कर पाए और अपनी संख्या को, नंबर्स को बाय रिप्रोडक्शन बढ़ा पाए। क्लियर है बच्चों, तो इकोलॉजी एट अगर ऑर्गेनिजम्स लेवल पे हम बात करेंगे, तो हम इसको बोल देते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। अब हम उन बायोम्स को देखेंगे जिन बायोम्स की प्रॉपर हमें स्टडी करना है एबायोटिक फैक्टर्स के रेफरेंस पे। एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है बच्चों यहां पर, सर्वाइवल ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर। देखो बच्चों, आपको पता है कि किसी भी कोई बायोम है या कोई इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में या बायोम में टेम्परेचर का बड़ा रोल है। जैसे देखो, टेम्परेचर के आधार पर आपको पता है डेजर्ट बन जाते हैं, अगर बहुत कम टेम्परेचर है तो वहां पर कोल्ड डेजर्ट बन जाते हैं, जैसे गोभी का डेजर्ट है, यस, जैसे सहारा का रेगिस्तान है वो कैसा है, हॉट डेजर्ट है। तो टेम्परेचर एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है जब कहीं का बायोम बनना होता है। क्लियर है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोई भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए उस जिस पर्टिकुलर हैबिटेट पे वो वहां पर रह रहा है, वहां पर टेम्परेचर का ड्यूरेशन कैसा होता है, ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल प्लस स्नोफॉल, इसको दोनों को मिला के बोलते हैं प्रेसिपिटेशन।
और एनुअल प्रिसिपिटेशन कैसा है, पूरे साल बरसात कैसी हो रही है या पूरे साल से बर्फ पड़ रही है। तो ये बहुत ऐसे फैक्टर हैं जो किसी बायोम्स को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उस बायोम में जो ऑर्गेनिज्म है उसको सर्वाइव करने में भी मदद करेंगे। तो देखें अगर ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम देखें टेम्परेचर और रेनफॉल के आधार पर बच्चों, तो आपको मुख्यतः चार तरीके के बायोम्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पहला बायोम होता है डिजर्ट। आप जानते हैं डिजर्ट दो तरीके के होते हैं, हॉट डिजर्ट और कोल्ड डिजर्ट। तो हॉट और कोल्ड किसके आधार पे हुआ, टेम्परेचर के आधार पर हुआ। दूसरा फैक्टर्स क्या था कि वहां पर प्रिसिपिटेशन कैसा हो रहा है, कितना पानी बरस रहा है, क्या वहां स्नोफॉल हो रही है नहीं हो रही है। सेकेंड आप देख लीजिए रेन फॉरेस्ट, तो रेन फॉरेस्ट किस पे डिपेंड है, वो टोटली डिपेंड है प्रिसिपिटेशन पे कि कितना वहां पर रेन हो रही है पूरे साल, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा टुंड्रा। टुंड्रा आप जानते हैं जहां पर साल भर बर्फ रहती है, यस, टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है, जीरो के नीचे रहता है। और चौथा होता है डिसीडियस फॉरेस्ट जिसको हम पतझड़ वाले वन बोलते हैं। तो ये सब बच्चों अगर हम बात करें तो टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन के आधार पर चार तरीके के बायोम्स मुख्यतः आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इंडिया में जिन चार बायोम्स की बात करनी है, जरा उसको हम लोग समझ लेते हैं कि इंडिया के रेफरेंस में वो बायोम्स कौन कौन से हैं। चलो, यस, ये आपका फिगर आपके एनसीईआरटी में है और यहां पर आपको चार तरीके के बायोम्स दिखाए गए हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये क्या है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। सेकेंड आता है हमारा डिसीडियस फॉरेस्ट, देखिए ये हमारा डिसीडियस फॉरेस्ट है। थर्ड है हमारा, देखो ये डिजर्ट है, यस, और ये है कोस्टल, यस, कोस्टल सी कोस्ट है। तो अगर आप देखिए तीसरा है हमारा डिजर्ट और चौथा है हमारा सी कोस्ट। ये चार तरीके के जो आप देख रहे हैं बच्चों बायोम्स, ये किस आधार पर इनका फॉर्मेशन हुआ होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिसिपिटेशन कि कितना रेनफॉल वहां पर है, इसी के आधार पर आप देखिए ये चार तरीके के बायोम्स मुख्यतः आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। जब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया बताया गया है जिसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये आपका है, बी है हमारा डिसीडियस फॉरेस्ट है, जो सी है हमारा वो डिजर्ट दिखाया गया है, और जो डी है हमारा वो सी कोस्टल रीजन है, समुद्र के किनारे का जो रीजन होता है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, हो सकता है आपको ये फिगर दे दे और पूछ ले कि किस तरीके का बायोम है। ओके, चलिए अब जरा कुछ और फैक्टर्स की बात करते हैं जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिगर प्रॉपर दिया गया है बच्चों, और इस फिगर में आपको ये समझाया गया है कि जो डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स होते हैं वहां पर एनुअल प्रिसिपिटेशंस के आधार पर कैसे ये बायोम बनते हैं और किस तरीके से एनुअल टेम्परेचर का यहां पर फ्लक्चुएशन रहता है, इसके आधार पर बायोम डिसाइड हो जाते हैं कि किस तरीके का बायोम वहां पर बनेगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर दो एक्सिस है, एक एक्सिस तो ये है और दूसरी एक्सिस ये है। ये जो वाली एक्सिस है इसमें आप देखिए यहां पर जीरो से स्टार्टिंग है और यहां पर मीन एनुअल प्रिसिपिटेशन दिखाया गया सेंटीमीटर में कि पूरे साल वर्षा कितनी होती है। यहां पर 50 सेंटीमीटर से स्टार्ट किया गया है, जीरो से लेकर यहां पर 50 सेंटीमीटर, जीरो सेंटीमीटर से स्टार्ट करके फाइनली हम यहां पर 450 सेंटीमीटर तक की बरसात देखेंगे पूरे एनुअल में। और इस एक्सिस पे हम बात करेंगे -15 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर से लेके -10, -5, 0, +5, +10, +15, +20 और +25। ये एक ऐसा एक्सिस है जहां पर आपको ये बच्चों समझ में आएगा कि वास्तव में यहां पर किस तरीके से एक ग्राफिकल के माध्यम से आपको समझाया गया है। यहां पर सबसे पहले देखिए कि यहां पर ये है आपका डिजर्ट, ठीक है। दूसरा है ये जो है आपका फिगर, ये है आपका ग्रासलैंड। थर्ड है हमारा, ये है हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। फोर्थ है हमारा ये टेम्परेट फॉरेस्ट, एंड फिफ्थ है हमारा कॉनिफेरस फॉरेस्ट, और सिक्स है हमारा आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। अब देखो यहां पर आपको क्या चीज समझ में आएगी। सबसे पहला पॉइंट तो अगर आप यहां पर देखें बच्चों, तो यहां पर सबसे पहले अगर आप डिजर्ट की बात करें तो डिजर्ट में देखो अगर टेम्परेचर की बात करोगे तो यहां पर टेम्परेचर +5 डिग्री सेंटीग्रेड से टच कर रहा है और मैक्सिमम यहां पर लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक दिखाया गया है। लेकिन आपको पता है कि टेम्परेचर डिजर्ट में दिन में 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंचता है, क्लियर है। लेकिन यहां पर रात में टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है,
आपको पता है ना रेगिस्तान में टेम्परेचर रात में बहुत ज्यादा गिर जाता है और दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर के वेरिएशंस के आधार पे तो ये देखो ये एक प्रॉपर दिखाया गया है। दूसरा अगर आप रेन की बात करोगे बच्चों तो इस फिगर को अगर थोड़ा सा आप नीचे ले जाओगे तो यहां पर देखोगे कि 50 सेंटीमीटर से कम बरसात हो रही है। ये क्या दिखा रहा है? तो एक तो क्वेश्चन यहां पर ये बन सकता है कि आपसे ये फिगर दिखा दिए जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि पर्टिकुलर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, या ये क्या है, या ये क्या है। अब सेकंड जो आपको दिखाया गया है, ये सेकंड दिखाया गया है यहां पर, ये ग्रासलैंड है। अब ग्रासलैंड में अगर आप देखोगे बच्चों तो अगर इसको यहां से इस तरह से आप क्लिक करोगे, यहां से इस तरह से मिलाओगे तो आपको एक चीज दिखेगा कि ग्रासलैंड में जो टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से मिनिमम है और मैक्सिमम यहां पर लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है। मतलब टेम्परेचर अच्छा है और यहां पर, लेकिन अगर बरसात आप देखोगे बच्चों तो इसको अगर नीचे लाओगे तो यहां पर बरसात भी काफी कम है, बहुत ज्यादा बरसात नहीं हो रही है। ठीक है, ये कौन सा आपका है? ग्रासलैंड एरिया है। तीसरा आप आ जाओ, जो तीसरा यहां पर दिखाया गया है वो है हमारा टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट में अगर आप इसके टेम्परेचर की बात करोगे तो देखो यहां से अगर इस तरह से हम इसको मिलाएंगे तो कहां पर जा रहा है, ये 10 से नीचे और 20 और 25 के बीच में दिख रहा है पॉइंट। लेकिन अगर यहीं पर आप इसके प्रिसिपिटेशन की बात करेंगे तो लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास ये टच कर रहा है। स्टार्टिंग कहां से हो रही है, मतलब मिनिमम कहां पर जा रहा है, लगभग ये मान लो ये पॉइंट 60-65 के आसपास होगा तो 6500 से 200 सेंटीमीटर के बीच में पूरे साल यहां पर बरसात होती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरे फिगर में कि सबसे ज्यादा बरसात आपको किस तरीके के बायोम में मिल रही है, तो जरा मुझे कमेंट्स करके बताओ किस बायोम में आपको सबसे ज्यादा बरसात देखने को मिल रही है। यस, ये है हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। आप देखो अगर इस पॉइंट को यहां से ऐसे मिलाओगे आप और इसको यहां से ऐसे मिलाओगे तो यहां पर जो बरसात आपको दिख रही है, आप लगभग देखिए यहां से स्टार्टिंग हो रही है और लगभग 450 सेंटीमीटर तक आपको पूरे साल बरसात मिल रही है। तो सबसे ज्यादा पानी कहां बरस रहा है, आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। क्लियर है? तो ये सारे फैक्टर्स यहां पर दिए गए हैं। अब जरा इस फिगर से रिलेटेड कुछ बच्चों हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं जो आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट्स कह रहा है कि डिजर्ट जो है आपको कोल्ड डिजर्ट भी मिलेंगे, जिसका एग्जांपल आपके बुक में दिया गया है गोभी का डिजर्ट, और आपको हॉट डिजर्ट भी मिलेंगे जैसे आपका सहारा का। तो डिजर्ट उसको भी बोलते हैं जहां पूरे साल बर्फ रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको ग्रासलैंड में। क्या मिल रहा है ग्रासलैंड में, आप देखो ये हमारा ग्रासलैंड है, देखो यहां पर ये है और मैक्सिमम यहां तक जाता है। मतलब देखो अगर हम मान लें तो लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक फ्लक्चुएट करता है। कितना बड़ा फ्लक्चुएशन है। तो सबसे ज्यादा जो ज्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बच्चों मिलेगा वो मिलेगा ग्रासलैंड में। तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपका। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मिनिमम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन फिर कहां पर मिलेगा, तो वो मिलेगा कहां पर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। क्यों? जब आप इसको यहां पर आप देखोगे बच्चों तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आप देखेंगे कि मिनिमम टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन 5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम है। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो सुबह टेम्परेचर अगर 15 है तो भाई शाम तक अगर वही टेम्परेचर 25 या 30 हो जाता है तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क आ गया, बहुत फ्लक्चुएशन हो गया। लेकिन सुबह टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शाम को 16-17 हुआ तो हम बोलेंगे कि फ्लक्चुएशन तो ना के बराबर है। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर आप देखिए जो मिनिमम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन मिल रहा है वो कहां मिल रहा है आपको, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिल रहा है। तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगर हम डिजर्ट में रेनफॉल की बात करें, आप देखिए डिजर्ट है तो यहां पर आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा कि यहां पर जो रेनफॉल है डिजर्ट में वो 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है एनुअली। क्लियर है? एक पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें, देखो ये है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो यहां पर रेनफॉल आपको 425 सेंटीमीटर तक आपको यहां पर रेनफॉल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। मैक्सिमम जो डायवर्सिटी, अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम डायवर्सिटी आपको कहां देखने को मिलेगी तो व्हाट विल बी योर आंसर बच्चों, जरा मुझे कमेंट्स करके बताओ। वो मिलेगा उस जगह पर जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। पहला फैक्टर क्या होना चाहिए,
टेम्परेचर कांस्टेंट हो, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, और दूसरी शर्त हो कि वहां पर बहुत ज्यादा बरसात हो। और ये दो चीजें आपको कहां मिलेगी, देखो इस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बरसात भी कितनी हो रही है और टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन भी सबसे कम है, इसीलिए जो मैक्सिमम डायवर्सिटी बच्चों देखने को मिलती है वो मिलती है हमको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। क्लियर है? तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आपको मैक्सिमम डायवर्सिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे आपके ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, आपको पता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट में आपको जो प्लांट्स मिलते हैं उसकी जो लीव्स होती है वो निडिल लाइक होती है। कैसी होती है? निडिल लाइक। देखो अगर जैसे आपके पाइनस के प्लांट है उसमें कैसी होगी, ये निडिल लाइक इस तरीके की लीव्स होती है वहां पर। ओके बच्चों, चलिए कुछ और पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं जो हमारे बायोम से रिलेटेड है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आप देखें बायोम्स में तो रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट, जैसे मार्सी रीजन है, पॉन्ड है, थर्मल स्प्रिंग है। जैसे कोई अगर एक बायोम है बच्चों, तो बायोम्स में भी अलग अलग आपको कई तरीके के वहां पर आपको वेरिएशंस मिल जाएंगे, लोकली वेरिएशंस मिल जाएंगे। जैसे कोई एक बायोम है तो वहां पर दलदली रीजन भी होगा, हो सकता है वहां पर आपका तालाब हो उसका एक अलग इकोसिस्टम होगा, थर्मल स्प्रिंग है मतलब जो गर्म पानी की झरने हैं उसका एक अलग सिस्टम होगा। तो एक बायोम्स के अंदर भी आपको कई वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है यहां से स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात कर रहे थे, इन्हीं फॉरेस्ट को हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो रेनफॉल देखने को मिलती है वो 500 सेंटीमीटर तक भी जा सकती है, जो स्टार्टिंग होती है 200 सेंटीमीटर, ये एनुअली बात हो रही है। तो ऐसे फॉरेस्ट आपको सदाबहार मिलेंगे, हमेशा हरे भरे मिलेंगे, इस तरीके के जंगल। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो डिसीडियस रेन फॉरेस्ट है यहां पर आपको जो रेनफॉल मिलेगा वो 90 से 160 सेंटीमीटर आपको मिलेगा एनुअली। बच्चों ये वो डाटा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट एक तरफ बायोम्स का नाम दे सकते हैं और दूसरा तरफ दे सकते हैं रेनफॉल, और आपको मैचिंग के लिए बोला जा सकता है कि आपको प्रॉपर यहां पर मैचिंग करनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्यों पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है डिसीडियस रेन फॉरेस्ट का, जैसे बॉम्बैक्स उस जंगल में जहां पर बंबू के जो बांस होते हैं उसके प्लांट्स होते हैं, डेलबर्जिया जिसको हम सिंसम भी बोलते हैं, तो ये सब प्लांट है जो आपको डिसीडियस रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स की बात करेंगे जो सो मच वेरिएशन इन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन इन बायोम्स, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा वेरिएशंस आपको दो बायोम्स के बीच में देखने को मिलेंगे, वो कौन कौन से फैक्टर हैं इसको हम समझ लेते हैं। तो बच्चों किसी भी बायोम्स को बनाने में आपको पता है मुख्यतः दो तरीके के फैक्टर होते हैं। पहला होता है एबायोटिक फैक्टर उस पर्टिकुलर बायोम्स के हैबिटेट में, और सेकेंड होता है बच्चों बायोटिक फैक्टर जो बायोम्स को अफेक्ट करता है। अगर हम बात करें कि एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं, तो जिसमें टेम्परेचर मोस्ट रिलेवेंट और सबसे इफेक्टिव फैक्टर माना जाता है टेम्परेचर। सेकेंड नंबर पे बच्चों आता है वाटर। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे रिलेवेंट और सबसे मोस्ट इफेक्टिव जो फैक्टर होता है किसी बायोम्स के हैबिटेट्स में वो होता है टेम्परेचर, बायोम्स के हैबिटेट्स के लिए। तो पहला टेम्परेचर है, सेकेंड वाटर है, थर्ड लाइट है, एंड फोर्थ बच्चों है सॉइल। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो बायोटिक फैक्टर में आते हैं ऑर्गेनिज्म जैसे पैथोजन, यस, पैरासाइट, प्रीडेटर्स मतलब जो शिकारी हैं, यस, और कंपटीटर, यस, जो आपस में कंपीट करते हैं। तो इस तरीके से आपको एबायोटिक फैक्टर और जो बायोटिक फैक्टर है वो किसी पर्टिकुलर बायोम्स को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किस तरीके के वहां पर बायोलॉजिकल फैक्टर हैं और किस तरीके के वहां से एबायोटिक फैक्टर है बच्चों। क्लियर है? चलो अब जरा थोड़ा सा और अपनी जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इन फैक्टर्स के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर हम जिस फैक्टर्स की बात करने वाले हैं वो फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। मैंने बोला कि टेम्परेचर सबसे रिलेवेंट और सबसे फर्स्ट नंबर पे ये फैक्टर आता है जो किसी भी बायोम्स का सबसे इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर होता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई मान लेते हैं हम डेजर्ट एक बायोम है
तो वहां पर टेम्परेचर कितना इंपॉर्टेंट रोल है। जितने भी एनिमल्स होंगे धूप से बचने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा एडाप्टेशन अपनाएंगे जिससे वो जो जबरदस्त जो धूप आ रही है दिन में उससे अपने आप को बचा पाए। क्लियर है। अगर हम बात करें कोल्ड डिजर्ट की, तो कोल्ड डिजर्ट में कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो अगर लगातार कोल्ड बना हुआ, लगातार बर्फ बना हुआ है ना, पूरा पूरी तरीके से वहां पर कुछ उनके लिए खाने के लिए नहीं है, तो पता चला वो एस्किवेशन में चले जाएंगे। जैसे जो बियर होते हैं, पोलर बियर्स होते हैं, आपको पता है बर्फ के नीचे चले जाते हैं और कई महीने वहां पर सोते रहते हैं, और जब उनके अनुकूल इन्वायरमेंट हो जाता है तो फिर वो बाहर आ जाते हैं। क्लियर है। जैसे डिजर्ट में आपको देखिए समर स्लीप भी देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके का, इसके लिए जो मेन चीज बच्चों क्या है वो है टेम्परेचर, कि उस बायोम में पर्टिकुलर टेम्परेचर का स्टेटस क्या है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है टेम्परेचर के बारे में, कि टेम्परेचर ही मोस्ट रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। और नेक्स्ट है, जैसे अगर हम बात करें बच्चों, हम मान लेते हैं ये अर्थ है, यस, और अर्थ के बीच में जो लाइन खींचते हैं इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ये हमारे, ये है हमारा नॉर्थ पोल और नीचे वाला है हमारा साउथ पोल। तो अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ चलेंगे बच्चों, तो जो टेम्परेचर होगा वो क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। और अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो बच्चों यहां पर टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्योंकि आपको पता है जो सन है पूरे साल इन दो लाइंस के बीच में ही ट्रेवलिंग करता है। यस, ऊपर की लाइन को बोलते हैं कर्क रेखा और नीचे की लाइन को बोलते हैं मकर रेखा, उसको याद रखिएगा। तो मैंने क्या बोला कि जब भी हम इक्वेटर से पोल की तरफ चलते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये पूरे अर्थ की बात हो रही है, क्योंकि अर्थ अपने आप में एक सबसे बड़ा बायोस्फीयर है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो टेम्परेचर से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जैसे आप टुंड्रा रीजन में आप देखेंगे तो वहां पर टेम्परेचर आपको सब जीरो ही मिलेगा, तभी तो टुंड्रा रीजन बना है, माइनस में टेम्परेचर आपको मिल रहा है वहां पे। अगर आप ट्रॉपिकल डेजर्ट्स की बात करेंगे तो यहां पर आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर होगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तक टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखें थर्मल स्प्रिंग की देखें तो थर्मल स्प्रिंग में आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा टेम्परेचर मिलता है। और आपको पता है यहां पर जो आर्की बैक्टीरिया है, यस, वो यहां पर प्रॉपर सर्वाइव कर पाते हैं, उनके पास प्रॉपर प्रोटीन्स होती है, स्पेशल प्रोटीन होती है जो इतने टेम्परेचर में उनको डिग्रेड होने से बचाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं जैसे ट्यूना फिश एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम दिया गया आपके एनसीईआरटी में, और ये ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है ट्यूना फिश। तो बच्चों इस तरीके से हमने समझा टेम्परेचर्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर बायोम्स को बनाने में या बिगाड़ने में। ओके, चलिए अब हम कुछ ऐसे फैक्टर्स की बात करें। देखिए बच्चों कितनी ब्यूटीफुल स्लाइड है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं, ये स्नो में रहने वाला स्नो बियर है, यस, ये आप देखिए, ये देखिए, सब एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट्स पे रह रहे हैं। इससे रिलेटेड कुछ टर्म है बच्चों, इन टर्म को समझ लेना है। पहला टर्म आता है यूरीथर्मल। अब चूंकि हम टेम्परेचर्स की बात करें तो टेम्परेचर्स के आधार पर अगर हम बात करें तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो यूरीथर्मल की कैटेगरी में आते हैं, कुछ आते हैं एंडोथर्मल की कैटेगरी में, और कुछ आते हैं स्टीनोथर्मल की कैटेगरी में। सबसे पहले देखते हैं कि इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम बात कर ले यूरीथर्मल। यूरीथर्मल का मतलब होता है कि जहां पर आपको फ्लक्चुएशन का टेम्परेचर रेंज -5 से +40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जहां टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो, और इस तरीके के टेम्परेचर को बियर करने की अगर क्षमता है, और तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूरीथर्मल। जैसे ह्यूमन है, हम -5 डिग्री सेंटीग्रेड से +40 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्वाइव कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम क्या हैं, हम यूरीथर्मल हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स अगर इस टेम्परेचर पे अपने आप को सरवाइव करा पा रहा है, बियर कर पा रहा है ऐसे टेम्परेचर्स को, तो उन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे यूरीथर्मल, चाहे बात प्लांट की हो या बात आपकी एनिमल्स की हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एंडोथर्मल क्या होते हैं। एंडोथर्मल में वो सभी ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स के अनुसार अपने अंदर की इन्वायरमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि जब हमको बहुत गर्मी लगती है तो स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, और जब हवा के साथ वो पसीना सूखता है तो क्या होता है कि ठंडक लगनी हमें स्टार्ट होती है, तो हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो कम होता है।
तो ये आपको पता है कि हॉट ब्लडेड में भी, हॉट ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं जैसे मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वहीं पर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा। तो जो वार ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जैसे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये मोस्ट ऑफ द जो एंडोथर्मल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं, यूरीथर्मल होते हैं, मतलब वो -5 से +40 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आ सकता है कि ये स्टेटमेंट आपको दे दिया जाए कि मोस्ट ऑफ द एंडोथर्मल ऑर्गेनिजम्स आर यूरीथर्मल, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू आर फॉल्स, तो व्हाट विल बी योर आंसर, योर आंसर शुड बी ट्रू। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, स्टीरोथर्मल क्या होता है। स्टीरोथर्मल में जहां पर टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन को सहने की क्षमता ना हो, अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर जाए तो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाए। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आप देख रहे हैं ये पोलर बियर है, पोलर बियर आपको पता है कि अगर मैदानी इलाकों में ले लिया जाए तो इनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि इनका ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ये वार्म ब्लडेड नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक नैरो रेंज, मतलब नैरो रेंज का मतलब है भैया 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री सेंटीग्रेड के फ्लक्चुएशन तो उसको सह लेंगे, लेकिन अगर इकट्ठा 15 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड का फ्लक्चुएशन आ जाए तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जो नैरो रेंज के टेम्परेचर को सर्वाइव करने की क्षमता रखते हैं, बेयर करने की क्षमता रखते हैं बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं स्टीनोथर्मल। क्लियर हो गया ये चारों टर्म, यूरीथर्मल, एंडोथर्मल और स्टीनोथर्मल क्या है। अब कुछ दो रूल्स के बारे में आपके बुक्स में दिया गया है, जरा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं बच्चों। एक पॉइंट यहां पर रह गया, इस पॉइंट को चला कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। एक पॉइंट रह गया है कि जो स्टीनोथर्मल है बच्चों, इनको हम पोइक्रोथर्मल भी बोलते हैं। जैसे पोलर बियर हैं, प्लांट्स हैं, तो अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं बच्चों वो स्टीनोथर्मल ही होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो एनर्जी हमको खर्च करनी पड़ेगी भाई। जब हम ठिठुरते हैं तो क्या होता है, उसमें एनर्जी खर्च होती है। तो जितने भी प्लांट्स हैं 98 to 99% इस पूरी दुनिया में जो ऑर्गेनिज्म है बच्चों वो स्टीनोथर्मल ही है, वो एनर्जी खर्च नहीं करना चाहते हैं। ह्यूमन ही बहुत दिलदार होते हैं जो एनर्जी को खर्च करते हैं। तो एक्टोथर्मिक इनको बोलते हैं बच्चों, पोइक्रोथर्मल भी एक वर्ड दिया गया है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों और दो रूल्स के बारे में समझते हैं, जो एक रूल्स एलन रूल्स है और दूसरा रूल है बच्चों बर्स बैंस रूल। ये क्या कहता है? एलन रूल्स की अगर हम बात करें तो एलन रूल्स कहता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, क्या कह रहा है कि वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट्स में रहते हैं उनका हैव स्मॉल साइज, उनके ईयर का साइज, उनके हैंड का साइज, उनके पैर का साइज वो बहुत छोटा मिलेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वो चाहते हैं कि उनके बॉडी के अंदर जो हीट लॉस, जो हीट है उसका लॉस ना हो। तो हीट लॉस को कम करने के लिए कुछ ऐसा एडाप्टेशन आ जाता है, तो एक्सट्रीम कोल्ड वाली जगह पे रहते हैं जिससे उनके कान बहुत छोटे होंगे, नाक के बराबर होंगे, हाथ बहुत छोटे होंगे, पैर बहुत छोटे होंगे। जैसे अगर आप देखें यहां पर, आप पोलर बियर को आप देखें बच्चों, यहां पर देखो इसके हाथ बहुत छोटे होंगे, पैर बहुत छोटे होंगे, कान देखो बच्चों कितने छोटे से कान है, लेकिन शरीर कितना बड़ा है। तो इस रूल को बच्चों बोलते हैं हम एलन रूल। तो एलन रूल किसके लिए है? उन ऑर्गेनिजम्स के लिए है जो कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड इन्वायरमेंट्स में रहते हैं। और कहा जाता है कि इन ऑर्गेनिजम्स के जो एक्सट्रीमिटी है, जो उसके ईयर है, जो उसके हैंड है, जो उसके लेग है, उनका साइज छोटा होगा। वो इसलिए होगा, वो एक तरीके का एडाप्टेशन है कि अपने बॉडी के हीट लॉस को वो कम कर सके। सेकेंड जो रूल है ये बर्ड्स रूल है बच्चों, और ये रूल्स लागू होता है बर्ड्स पे, यस, और खासकर उन बर्ड्स में जो कहां पर रहती हैं, जो कोल्डर बर्ड्स होती हैं, जो कोल्डर रीजन में रहते हैं, जो साउथ पोल या नॉर्थ पोल में पाए जाते हैं या टुंड्रा रीजन पे रहते हैं। तो स्पेशली फॉर बर्ड्स इसमें रूल में क्या कहा जाता है कि जो कोल्डर बर्ड्स होते हैं उनका साइज आपको हमेशा बड़ा मिलेगा। आप देखिए कभी भी आपको जहां पर जो मैदानी इलाकों की चिड़ियों का साइज क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन जो कोल्डर होते हैं जैसे साइबेरियन है, आपको पता है कितना बड़ा साइज उसका होता है। तो ये कहता है बर्ड्स रूल्स कि भाई जो भी कोल्डर रीजन में बर्ड्स रहेंगी उनका साइज अधिकतर कैसा होगा, उनका साइज लार्ज होगा।
लेकिन जो हॉट इन्वायरमेंट पे रहने वाले बर्ड्स हैं उनका साइज छोटा होगा, कम होगा इन कंपेयर ऑफ कोल्ड रीजन में रहने वाले बर्ड्स के। तो बच्चों यहां पर आप जो दो रूल्स देख रहे हैं आपको एक चीज माइंड में रखना है कि एलेंस रूल्स उन ऑर्गेनिजम्स के लिए है जो ठंडे इन्वायरमेंट में रहते हैं, और बर्ड्स में ये रूल है जो सिर्फ बर्ड्स के लिए बना है, बताता है कि अगर कोल्डर रीजन में बर्ड्स है रह रही ऑर्गेनिज्म तो उसके शरीर का साइज बड़ा होगा, और अगर हॉट रीजन में रह रही तो उसका शरीर का साइज छोटा होगा। तो जहां बर्ड्समैन रूल बर्ड से रिलेटेड है, वहीं हमारा जो एलेंस रूल है ये हमारा ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। ये यहां सारे ऑर्गेनिज्म को बता रहा है, वो यहां पर सिर्फ बर्ड्स की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों इस तरीके से सेशन हमारा यहां पर क्लोज होता है। आई होप आपको ये लेक्चर आपको जरूर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट्स करके बताइए कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है किस टॉपिक पे देखना है। और बच्चों जो भी बच्चे नए हैं इनका मोस्ट वेलकम है पुराने बच्चों के साथ। आप सिंपल सा प्रोसेस है, अगर आप मेरे इसी तरह से रिकॉर्डेड लेक्चर और आने वाले लेक्चर्स को नोटिफिकेशन चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाके हमारा यहाँ पर ऐप है डीएन सिमाई एजुकेशन केविन मीडिया, इसको डाउनलोड कर लीजिए। सेकेंड प्रोसेस क्या है कि अगर ये लेक्चर्स अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे बच्चों आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।